फरमाया ये अल्लाह ताला की कुदरत है और उसकी शान है कि वो गुठली को फाड़ के इसमें से कोंपल निकालता है। सूरह वाकया में कहते हैं कि अफराई तुम मातहरुसून, तुमने कभी देखा जो तुम काश्त करते हो, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, इसको उगाने वाले तुम हो या हम। भाई काश्त तो तुमने कर दिया, जमीन पे तुमने हल चला के जमीन को नरम करके उसमें खाद डाल के बीज डाल दिया, पानी डाल दिया, अब उसके बाद तो बेचारा किसान कहते हैं यार मैं तो यही कुछ कर सकता था, अब आगे इस बीज में से कोंपल फूट के इस में से पौधे निकले, अच्छी फसल हो, ये तो सारा उसका काम है। उसका काम है कि एक बीज पे वो देखो किस किस की मेहनत करवाता है, इस एक बीज पे जमीन की कुव्वत नमू काम करती है, गैसेस ऑक्सीजन नाइट्रोजन पता नहीं क्या क्या गैसेस, फजा हवा काम करती है, पानी आता है वो जमीन को नरम करता है उसको फाड़ता है, दूर समंदर से हवाएं बुखारात उठते हैं, बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं, बिजली की कड़क होती है, बिजली की कड़क में नाइट्रोजन मिल जाती है, नाइट्रेट खाद मिला पानी बन के आ जाता है, और करोड़ों मील दूर सूरज की तवानाई और गर्मी आती है। मियां दर्जनों असबाब और अवामिल और दर्जनों ताकतें करीब से दूर से हजारों मील लाखों मील दूर से आती हैं और इस एक बीज पे काम करती हैं, तो इस बीज में से कोंपल फूटती है। पूछते हैं कि ये कोंपल तुमने उगाई है या मैंने उगाई है, लगता है कि किसी ऐसी जात ने ये कोंपल उगाई है जिसके कब्जा कुदरत में सूरज की गर्मी और तवानाई भी है, समंदर भी है, हवाएं भी हैं, बादल भी हैं, बरखा भी है, बिजली की कड़क भी है, हवाएं और फजा और गैसेस भी हैं, जमीन की कुव्वत नमू भी है, पानी भी है और बीज भी है। वो जात जिसके कब्जा कुदरत में, जिसके इंतजाम और तदबीर में ये सब चीजें हैं, उसने इस कोंपल को उगाया। जो अल्लाह ने कहा कि पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, फरमाया तुम उगाते हो या हम उगाते हैं, काश्त तुम करते हो, उगाते हम हैं। और फरमाया कि वो तुम्हारे लिए तरह तरह के रिस्क सब्जियां फल और अनाज उगाता है।